हमने आपको दिखाया कि कैसे काक इकोनॉमिक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक किशोर कागड़े ने लॉकडाउन में कई सारे फर्जी योजना चलाकर लोगों से करोड़ों की ठगी कर डाली। इसके लिए हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल की वेस्ट इंडिया जोनल बोर्ड की अध्यक्ष गायत्री कदम के ऑफिस में मौके पर मौजूद कुछ पीड़ितों से एक एक करके विस्तार से इस मामले को जानने की कोशिश की। मेरा नाम कीर्ति महेश चरकरे है, मैं घाटकोपर से हूँ। मेरे फैमिली से मुझे पता चला कि काक इकोनॉमिक के बारे में, तो मैंने ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि मेरा ग्रोसरी और मेडिकल का खर्चा निकल जाए। मेरे अप्रैल में मेरे डैड का डेथ हुआ है और मैंने तुरंत पैसे भरा है 2021 में। तो मैंने ये सोच के भरा था कि मेरा पैसा कहीं सेफ जगह पे मैं डाल रही हूँ कि मैं लाइफ टाइम में यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने ये सोच के डाला था कि मेरा लाइफ टाइम रहेगा ग्रोसरी और मेरा मेडिसिन का खर्चा जो है, तो उसके लिए मैंने डाला। बट मैंने जस्ट 30 मई को मैंने जो पैसा भरा, 31 मई को मुझे सिर्फ ग्रोसरी मिली, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रुक लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। बट मैंने इतना टाइम रुक के मई में मैंने एक कार्ड लिया, उसके बाद मेरी बहनों का मैंने कार्ड निकालवाया 2021 रुपीज का। तो ये सोच के निकाला था कि मेरा मई में ग्रोसरी तुरंत आ गया, नेक्स्ट जिस दिन मैंने कार्ड निकाला उसके नेक्स्ट दिन मेरा ग्रोसरी आ गया। तो इस सोच से मैंने सात जून को मैंने और 6 कार्ड निकाले 2021 रुपीज के। तो ये सोच के निकाले थे कि मुझे हम लोग को सबको मिल जाएगा, बट कुछ भी नहीं मिला मुझे। और उसके बाद मैंने अगस्त में मेरा एक कार्ड एग्जिट के लिए डाला। काकड़े के बहुत सारे न्यूज जो हर डेली का वो 6 बजे डालता था, वो हम लोग रोज देखते थे। वो बोलता था कि आप मेरा न्यूज देखो, मैं रोज का जो है अपडेट जो मैं आपको 6 बजे के न्यूज में बताऊंगा। तो हम लोग वो भी देखते थे कि ये अगला क्या है इनका प्लान, ये वो, तो हम लोग सब देखते थे। बट एक दिन ऐसे पता चला कि उनका जीएसटी का प्रॉब्लम है। तो जीएसटी का प्रॉब्लम बहुत लंबा चला उन लोग का। हम लोगों ने देखा ऑफिस में जाके कि आप लोग का जीएसटी का प्रॉब्लम कब तक चलने वाला है, तो उन्होंने बोला कि और 1 महीना चलेगा करके। तो मैं बहुत थक गई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मतलब और मैं मेरा टाइम वेस्ट करूँ इन लोग के साथ। तो मैंने नागेश जी को कॉल किया कि मुझे एक ग्रुप से पता चला कि नागेश जी के भी है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। हम गायत्री मैम के ग्रुप में ऐड हो गए नागेश जी के हेल्प से, एंड हमें अभी उम्मीद है कि हमारे 100% पैसे हमारे मिल जाएंगे। अभी तक आपने कितना टोटल अमाउंट काक में इन्वेस्ट किया हुआ है? मेरा खुद का 28,000 है, जो मैंने एक महाराज का लाइफ टाइम के लिए लिया है, और एक गिफ्ट बुक किया है, और एक मैंने कार्ड लिया है 2021 रुपीस का। टोटल मेरा 28,000 है। और अभी ये जो काक इकोनॉमिक के जो ओनर है, जो काक, वो तो अभी अरेस्ट हो चुके हैं, तो आप प्रशासन से उनके खिलाफ क्या मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ऐसे फ्रॉड लोग कभी छूटना नहीं चाहिए। हम लोग प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम गरीब के पैसे जल्द से जल्द हमें दिलवाए जाए।